कितना मुश्किल है गाना जरा करके दिखाना। पके पेड़ पे पका पपीता, पकड़े दिल को पका पपीता, चंदा जम के चम चम जी के चंदा चोर। हम और हमारी बच्चा पढ़नी बहुत टैलेंटेड है। नेम पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाई, मेरे सांसों में तू है बसा, ओ सजना आ जाना अब तन सा, ओ सजना आ जाना अब तन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मैं पी रही हूँ चाय और अब मैं खाऊंगी दवा। और कल संडे है, कल मेरा दांत निकाल लेंगे, मेरा दांत निकाल के डॉक्टर ले लेंगे, अपने लगाएंगे। दोस्तों मैं नहा चुकी हूँ और अब चल रहा कुछ खा लूँ, क्योंकि दवा भी खाना है और 3 बजने वाले हैं यहाँ से, तो बहुत लेट हो गया। रोज़ रोज़ घर इतना गंदा हो जाता कि करें भी क्या। चल रहे हैं कुछ खाते हैं। वो डिम्पल, ये काजल, ये विशाल और मैं, और मेरा खाना, मेरी चाय। तो ये तीनों कार्टून आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो विशाल देखो बनाया अपने लिए ओट्स, अभी अंडा खाने की तैयारी में। कल बनाए थे हाफ फ्राई तो हराया बन गया था, तो अभी चलेंगे गैया को पानी, क्योंकि वो भाभी ने खोल दिया था, वो चारा खा के आ गई तो प्यासी है, तो वही पिला रहे हैं पानी। प्यासी है कितना, वो देखो बच्चा मुन्नु। मोहल्ले में कितनी बकरियाँ, सिवा लोअर पहन रहा है, खिला नहीं। देखो बछड़े का ये देखो कैसे बैठा है। 5 बजे 5:30 तो चलो एक वीडियो शूट कर लेते हैं, चलें। तो चल रहे हैं हम लोग, एक शॉर्ट शूट करके डाल देते तब तक। आज मतलब पूरे दिन में कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि गए हुए थे दीदी के यहाँ, और आए तो घर में भी काम पड़ा हुआ था, तो उनके पहले काम ख़त्म कर लें, गैया को दूध। सगुन क्या बन रही है बताओ? बहुत ये बन रही है, मैम थोड़ा कल लेट आई थी इसीलिए ये भी 39 पे गया। हाँ तो ये क्या बन रही है, अभी क्या बोले थे? बोले थे ना बहुत मैडम बन रही है। हाँ। अब तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारी मैडम तक जाएगी? नहीं। सगुन क्या कहना चाहोगी, ये तुम्हें बोले बहुत मैडम बन रही है? ये पागल है, ये पागल है दोस्तों। तो सगुन जा रही है कोचिंग और सगुन का कहना है कल मैडम लेट से आई थी तो आज हम लेट से जाएंगे। तो आज लेट से, कल कितने बजे आई थी मैडम? कल 39 पे, 39 पे आई थी, मतलब 39 मतलब 39 मिनट है ना, 5:30 बजे का कोचिंग है। तो भाई कोचिंग जा रही है सगुन, अब आएंगी तो तब बनाएंगे वीडियो, ठीक? ठीक है, जाओ कोचिंग, नहीं लेट हो जाएगा, नहीं मैडम तुम्हारी धुलाई कर देंगी। तो सगुन जा रही है कोचिंग और अब सगुन आएगी तब ब्लॉग बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। लो फोन, अभी देख सकते हैं 5:30 बज रहा है, 4 मिनट ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए मैं रेडी हुई थी शॉर्ट्स बनाने के लिए और आज एक ही दो शॉर्ट्स शेयर कर पाए क्योंकि सगुन को जाना था कोचिंग और मैं भी लेट से, आज तो कोई दोपहर में पे पेड़ों में पानी डाला मैंने और बहुत भागत भागत हो रहा है। हाँ भाभी भैया से भूसा लेने जा रहे हैं। अच्छा तो भाभी भैया गैया के लिए भूसा मंगा रही हैं, मैं कह रही भाभी भैया के लिए भूसा मंगा रही हैं। छत पे
और पीछे हो रहा है रामायण, क्योंकि आज राधा अष्टमी है। तो जो लोग जन्माष्टमी मनाते हैं वो लोग राधा अष्टमी ज़रूर मनाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान तो राधा के लिए ही समर्पित थे। तो जो राधा रानी का नाम लेता है कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जो लोग जन्माष्टमी रहते हैं वो राधाअष्टमी ज़रूर रहते हैं, और इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भागवत वगैरह हो रहा है। तो प्लीज़ भगवान का नाम है कॉपीराइट क्लेम मत देना प्लीज़। और देखिए सारे पेड़ हैं, और आज तो टाइम नहीं है पता नहीं क्यों खांसी आ रही अब मंडे को जाएंगे हम लोग, जा रहे हैं शॉर्ट्स शूट करने नैना भाग गई उधर तो आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो ये बन रहा है रोटी, आटा गूंद रही हूँ, अभी भी आटा गूंद रही हैं। ये बाद बनेगी रोटी, कैसी गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, कैसा गोल गोल। बच्चे सब, तो मैं आप पोयम सुनाने जा रही हूँ। शकुन आज पोयम सुनाने वाली है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शकुन का पोयम कैसा लगा। और मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, सुनाओ पोयम। खेलोगे तुम अगर फूल से तो सुगंध फैलाओगे, खेलोगे तुम अगर धूल से तो गंदे बन जाओगे, कौवे का यदि साथ करोगे तो तुम दोगे दीदी तो तुम बोलोगे कड़वे बोल, कोयल का यदि साथ करोगे तो तुम दोगे मिश्री घोल, जैसा भी रंग रंगना चाहो घोलो तुम वैसा ही रंग, अगर बड़ा तुम बनना चाहो तो तुम रहो बड़ों के संग। डेफिनेटली शकुन ने जो पोयम सुनाया वो एक पोयम ही नहीं है, बहुत अच्छी लाइन है। अगर आप उस लाइन को समझें तो बहुत कुछ उस लाइन में है, वो एक पोयम जरूर इसने सुनाया बट बहुत ही अच्छा पोयम था। ये एक ऐसी चीज़ को दर्शाता है कि आप जैसी संगति करेंगे वैसा ही आपका बिहेवियर होगा, वैसा ही आपका बर्ताव होगा। तो इस पोयम से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छों के साथ रहना चाहिए, और गलत चीज़ें जो भी हो हमें अपने हैबिट में गलत चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सही गलत हर जगह होता है। हमें अपने चीज़ें मतलब जो हमारी चीज़ें सही हैं, जो लोगों की अच्छी चीज़ें, हमें उसको अपने हैबिट में लाना है। ठीक है, गुड, समझ में आया। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, कितना मुश्किल है गाना जरा गाके दिखाना, पके पेड़ पे पका पपीता, पकड़े पिंकू पका पपीता, चंदा चमके चम चम चीकी जुम चंदा चोर। देखा, हम और हमारी बच्चा पार्टी बहुत टैलेंटेड है। बादल बरसा बिजोरी, सावन का पानी, चीसु मौसम छा खुद को जवानी। हम बहुत टैलेंटेड है। बादल बरसा बिजोरी, रोटी में तू है घुसा ओ सांडा, खा के तू पेट भर ले अब तो आजा तू भर जाई मेरी सांसों में, तू है बसा ओ सजना, आ जाना अब तरसा ओ सजना, आ जाना अब तरसा, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काटी काटी के घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। हम तुम पिक्चर देख रहे हैं किसी थिएटर के अंदर, और बिजली चली जाए अंधेरा।
अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही हो गया। किसको किसको भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है? मुझे। Me too also। क्योंकि हम लड़कियां और हम लड़कियों को लेडी फिंगर बहुत पसंद होती है। दीदी इसको भी पसंद, बिट्टू को मेरी। और मैं भिंडी खा रही थी लेकिन उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी लाई थी। ओह नो, ये क्या कॉम्बिनेशन है, ट्रेंडिंग में चल रहा है भिंडी एंड कोल्ड ड्रिंक। ट्राई कर, झांका थे, वीडियो चल रही है। करी और रात के बजने वाले हैं 11, बहुत लेट हुआ ऑलरेडी। तो जो भी मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।